आपके सामने भारतीय सेना में किस प्रकार से देश प्रेम लगाई जाती है उसका नमूना देंगे और करने का तरीका बताएंगे। किस प्रकार से आप आसानी से जितना आसानी से हो सके 10 में से 10 प्रेम लगा के भारतीय सेना में पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सके। अबे सर्वप्रथम प्रेम लगाने में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिनको आपको ध्यान में रखिए प्रेम को लगाना है। सबसे पहले आपकी हाथ की पकड़, उंगलियों की पकड़ किस प्रकार से होनी चाहिए बीम के ऊपर। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये बीम है, इसको हम कहाँ से पकड़ते हैं, अंदर से पकड़ेंगे तो भी कितना पकड़ेंगे, ये उंगलियाँ हल्की सी ऊपर बसाएंगे और यहीं से बीम लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या है आपका पूरा बॉडी का पावर बीम के ऊपर नहीं लग पाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है स्लिप होके आप एक तो बीम कम लगाएंगे और स्लिप होके नीचे आ सकते हैं। इसे सबसे पहले क्या करना है, जब बीम को लगाना है बीम इस प्रकार से उसको पकड़ना है तो आपका कम से कम हथेली का फर्स्ट हिस्सा यहाँ पे आपके बीम आना चाहिए और ऊपर से पकड़ होनी चाहिए इस प्रकार से। उसके साथ ही आपके कलाई, जो कलाई है वो आपकी बीम के ऊपर जब पकड़ते हो तो कलाई का सपोर्ट होना चाहिए बीम के ऊपर। इससे क्या होगा, कलाई का सपोर्ट लेने से 2 से 3 बीम आप ज़्यादा मार सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका शोल्डर, मान लो मेरा शोल्डर इस प्रकार से है और मैंने इस प्रकार से बीम को पकड़ा तो मेरा शोल्डर के मुताबिक बीम ठीक है, लेकिन अगर यही मैं बीम इतना दूर पकड़ूंगा मेरे को बीम लगाने में परेशानी आएगी, समझ में आया। इसलिए बीम को कितना पकड़ना है, जितना आपका शोल्डर है, जितना फैला आपका शोल्डर है उतना ही आपको बीम पकड़ना है, और ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्लोज पकड़ ले, इतना क्लोज पकड़ लिया इसमें भी आप बीम नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर फैला हुआ है उतना ही आपको बीम को हाथ को फैलाना है। दो चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ आता है आपके शोल्डर का लॉक, क्या आता है शोल्डर का लॉक किस प्रकार से आता है मुझे दिखाता हूँ। एक लॉक आता है हाथों का लॉक, ठीक है, एक आता है शोल्डर का लॉक किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर आपका बीम का टेस्ट लेने वाला है उसको भी आपके शोल्डर लॉक के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए इस लॉक को आप आसानी से लगा के 2 से 3 बीम आप ज़्यादा लगा सकते हैं। वो शोल्डर लॉक में भी आपको दिखाऊंगा, हैंड लॉक नहीं करना है, शोल्डर लॉक देखिए इधर पकड़ लिया, एक डाउन, अभी मेरा शोल्डर लॉक है, क्या है अभी मैं शोल्डर लॉक छोड़ूंगा, आप सभी ध्यान दें, दिखाई दिया सर, ये होता है शोल्डर लॉक, इसको हमेशा शोल्डर को लॉक करके 10 बीम लगाना है, उसके बाद शोल्डर लॉक को छोड़ना है, क्लियर है सर। हो गए आपके सर 4 चीज हो गए। अभी आती है आपको बॉडी को पूरी फट्टे की तरह टाइट, एक बार आपने लटक गए तो आपको एडजस्ट नहीं करना है, जहाँ आप लटक गए वहीं से बीम को स्टार्ट कर देना है, और आपका नज़र कहाँ होना चाहिए, आपने बीम पकड़ लिया एक बार तो आपका नज़र कहाँ होना चाहिए, बीम के नीचे की साइड, ठीक है, मतलब आपका कहने का नज़र आपकी ये होनी चाहिए, सभी को सारी चीज़ समझ में आ गई। अभी आपके सामने जो बंदे हैं, 4 बंदे आपके सामने जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, जीतोड़ मेहनत करके 10 बीम लगाने के काबिल बने, वो भी आपके सामने एक नमूना देंगे जो उच्च दर्जे की बीम होती है, तो भारतीय सेना में किस प्रकार से 10 से 10 बीम लगा के पूरे से पूरे मार्क्स लिए जा सकते हैं। अंदर सुपर ऊपर की तरफ देखो सभी, छोटे लोग छोड़ो, एक दो, बहुत बढ़िया, 3 गुड, 4 छाश, 5
हिंदू ने पूरा मेहनत करके 10 में से 10 बीम लगाया और भारतीय सेना में सिलेक्शन के लिए अपने दावे को मजबूती से पेश किया।